नमस्कार, मैं उत्तरी बुटानी समय रायदास का गांव में मौजूद है। गांव की छोटी सरकार के चुनाव की गहमा गहमी जोरों पर चल रही है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 15 में इसमें मौजूद है। बात करेंगे प्रवीण कुमार, अंतर्राष्ट्रीय कबड्डी प्लेयर रहे हैं, पिंटू पहलवान जिनका नाम है, काफी ख्याति प्राप्त प्लेयर रहे हैं। कुछ चुनावी रणनीति में, चुनावी मैदान में दांव पेच आजमाएंगे। पिंटू जी, काफी प्रसिद्ध खिलाड़ी रहे हैं आप कबड्डी के, कौन कौन से दांव खेलते थे आप? देखिए, हमारी कबड्डी में तो मैं रेडर था, और इसमें फेंक मारना बोलते हैं जिसको, हमारे इलाके में जो पहचान बनी हुई फेंक मारने के नाम से प्रसिद्ध है, तो कबड्डी में हम फेंक मारते थे। अब कबड्डी के बाद अब चुनावी राजनीति में आ गया, कौन सा दांव आजमाओगे जिससे चित्त बैठे विरोधी प्रत्याशी? देखिए, राजनीति के बारे में मैं ज्यादा तो नहीं जानता, पहले कबड्डी खेलता था जब लोगों का मेरे पे पूरा आशीर्वाद रहता था। आज इस चुनावी मैदान में उतरे हैं, आज भी सभी युवा साथी, मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी हैं, माताएं बहनें, सभी का आशीर्वाद भरपूर मिल रहा है। सारे इलाके में जा रहे हैं, नाम तो चलो चर्चित है ही खेल के माध्यम से, तो इसलिए लोग जानते भी हैं, बहुत प्यार और सम्मान देते हैं। किन किन मुद्दों के साथ आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए, मैं जैसे खिलाड़ी हूँ तो सबसे पहले तो मैं युवाओं के बारे में, सबसे मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी तो वही होगी, जैसे स्टेडियम बनवाना, बच्चों के स्वास्थ्य के लिए सारी सुविधाएं उपलब्ध कराना, बुजुर्गों का सम्मान करना, CCTV वगैरह लगवाना, बहुत सारे बेसिक जो काम होते हैं वो तो सारे करवाने ही करवाने, जो भी विकास कार्य होते हैं वो सारे कराएंगे। फर्स्ट प्रायोरिटी इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि एक स्पोर्ट्समैन होने के नाते, एक कबड्डी का मैं इंटरनेशनल होने के नाते, इस गांव का आशीर्वाद मेरे पे इतना रहा है कि मैं विदेशों में इंग्लैंड, कनाडा, पाकिस्तान खेल के आया हूँ, तो मेरे गाँव से, मेरे इलाके से और भी बच्चे बाहर निकले और अपना नाम प्रसिद्ध करें। जैसे अभी दीपक काशीपुरी है, अपना छोटा भाई, वो भी अपना ही बच्चा है, आज विदेशों में खेल रहा है, तो ऐसे बड़ी खुशी होती है जब हमारे छोटे बच्चे और बाहर निकलते हैं। तो स्टेडियम बनवाने का कार्य करेंगे सबसे पहले गाँव में। सड़कों की हालत बड़ी खराब है, जैसे भी गाँव में घुस जाओ सड़कें बड़ी खराब होती है, क्या कहेंगे आप? देखिए, बनने के बाद क्या है, लोगों की जो समस्या है वो सरकार के सामने रखेंगे। सरकार में हमसे भी बड़े बड़े उच्च कोटि के नेता हैं, उनसे अपील करेंगे, जोर लगाएंगे और उनसे कहेंगे हमारा ये काम कराएं तो कराएंगे। जब आप दबंग पने से जाओगे तो क्यों नहीं काम होंगे, रिक्वेस्ट करने से काम नहीं होते, कई बार प्रेशर बनाने से भी काम होते हैं। बिल्कुल, जब दूसरे पाले में खिलाड़ी जाता है तो दो चार को चित करके ही आता, लौट के आता है। ये बताइए कि कितने गांव है आपके वार्ड में? हमारे गांव 16 गांव है इस वार्ड में, 16 गांव है, पंचायत है, और सभी गांवों में बहुत अच्छा सहयोग और समर्थन मिल रहा है, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। राज्य मतदाता कितने होंगे? 32,000 के आसपास। यूथ पर आपने फोकस ज्यादा कर रखा है? जी, यूथ तो मेरे साथ लगा ही हुआ है, यूथ तो सोचता ही है ना मेरे बारे में, तो बुजुर्गों का मान सम्मान, बुजुर्गों का आशीर्वाद, यूथ का मेरा साथ होना, यही मेरी जो बैकबोन है, मेरी यूथ ही है। सही बात है, जिधर यूथ चल जाता है जमाना भी चल जाता है। जी, ये तो है ही, आजकल युवाओं के हाथ में है, लेकिन बुजुर्गों का आशीर्वाद उसके साथ साथ चलना भी जरूरी है, तो उनका भी मेरे ऊपर पूरा भरपूर आशीर्वाद है। डालजन जी, पलवल को जिला बनाने के मुहिम में आपका बहुत बड़ा योगदान भी है। किसान संघर्ष वाहिनी ने एक मुद्दा उठाया था, सबसे पहले HD देवेगौड़ा जो प्रधानमंत्री रहे थे वहां तक भी पहुंचे थे आप, ये बताइए कि पहले का माहौल और आपके माहौल में क्या अंतर पाते? देखो, पहले के माहौल में और आज के अंदर माहौल में अंतर वैसे मैं कुछ नहीं समझता, क्यों, एक सबसे बड़ा हमारा काम है कर्म करना, और हमें कर्म करने से पीछे नहीं रहना चाहिए, हमें कर्म करते रहना चाहिए, जनता की जो सेवा है वो हमें करते रहना चाहिए। जैसे भाई पिंटू हैं हमारे इस वार्ड से, हमारे उम्मीदवार हैं, हम सभी इनके साथ इसी चीज को लेकर के इनके साथ लगे हुए हैं, एक हम मेहनत करें और इनको हमें फल मिले और ये बेटा हमारा जिला पार्षद के पद पर जाए। आपका क्या नाम है जी? राम प्रसाद जी। राम प्रसाद जी, क्या लगते हैं आपके? अच्छा, क्या कहेंगे पोते के लिए? या इसको मैं पोते के बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ जी, अब जब से भी इसने जन्म लिया है तभी से ये शिक्षा और खेल के मैदान में रहा है, और खेल के मैदान में अपने गांव का ही नहीं, पूरे इलाके का नाम रोशन किया है, पूरे हरियाणा का नाम रोशन किया है, पूरे देश का किया है जी, पाकिस्तान होया, इंग्लैंड होया, पूरे देश का ही नाम है इसमें, तो बहुत हमारा मान सम्मान लड़के को बहुत ज्यादा है, और आज भी हमें इस बात लेकर के चले हैं, युवा पीढ़ी के नाते इसकी पकड़ ऊपर राजनीति में भी है, और राजनीति ऐसी है, एक ढींगड़ा की है,
जब तक ढींगड़ा कोई चीज नहीं खींचेगा तब तक मिलेगी नहीं वहां से, मांगे से भीख ना मिले तो खींचने से मिलती है। तो इसमें दबंग लड़का कुश्ती और पहलवानी करी है, ये तो नेता पैसे जबरदस्ती जीवन में तो खींच ले आओगे, पैसा ले आओगे, इलाके को नाम काम होगा। सड़कन की इतनी बुरी हालत है, आप देखो गाड़ी निकल नहीं पा रही, पैदल नहीं चलो जा। सड़कन के विकास के लिए हमने इस लड़के को आगे ले आए हैं। अगर भाई वहाँ ये राजनीति में जब जाओगे तो पहले अपने सड़क गांव गली मोहल्ले इनके सबन का विकास होना चाहिए, बच्चे इनके लिए स्टेडियम होने चाहिए ताकि बच्चे आगे पहुँच के भाई वो देश का नाम रोशन करें। अब जब युवा पीढ़ी आगे लिख सकेगी, शिक्षित होगी तो देश भी आगे बढ़ेगा। हाँ जी, आप क्या कहेंगे जी बेटे के लिए? ऐसा है, इस बेटे के ऊपर मुझे जब से इसने जन्म लिया और आज तक गर्व ही हो रहा है, क्योंकि पढ़ने में भी चला और अब खेलने में भी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी बना, तो बड़े गर्व होता है। मुझे तो क्या, मेरे गांव को भी पूरा गर्व है इसके बारे में, इसके लिए तो। और इसका बड़ा भाई इंग्लैंड अमरीका के अंदर है, वो वहीं से इसको सपोर्ट करता रहता है। आगे अब उम्मीद है कि मेरी जितनी भी ये गांव वाले हैं और इलाके वाले हैं वो सब के सब इसके लिए बहुत ज्यादा उत्सुक हैं कि हमारे बीच में आवे और कुछ बन के आए। अच्छा पिंटू, आपका आपने गांव में बहुत समय बिताया है, बचपन ही बिताया है एक गांव की गुली में, आपके लंगोटिया यार कहाँ हैं? सारे लंगोटिया यार ही हैं, यहाँ पे जितने भी हैं हमारे साथ हैं, जो साथी हैं। अब सबका नाम तो कैसे लिया जाए, सारे ही मेरे गांव के जितने भी बच्चे हमारे जो युवा संगठन के थे जो हमारे साथ खेलते थे, उनके साथ खेल के बहुत आनंद होता था। अब कोई अपनी जॉब पे है, कोई कैसे वैसे है, यहाँ सभी अभी गांव का एक है आपका साथी, आपका आप इनके साथ रहे? हाँ साथ रहे हैं और काफी मेहनत कर रहे हैं पहलवान जी, और काफी इनको अच्छा सहयोग मिल रहा है। गाँव में जाते हैं तो छोटे बच्चे बड़े बुजुर्ग सभी का आशीर्वाद इनसे इनको मिल रहा है, और भगवान से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि भगवान इनको आशीर्वाद देकर विजयी बनाए। आपने टीवी में देखा होगा, अखबारों में सुना होगा, इनका नाम सुना होगा, जब देखा होगा तो कैसा महसूस होता था? हमें जब अपने भाई का अखबारों में टीवी में आता है, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है, और हम भाई के लिए आशीर्वाद देते हैं। हम इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर पूरी मेहनत और ताकत झोंक देंगे। क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम बहादुर सिंह, पूर्व सरपंच रायदास के सिंह, और वार्ड नंबर 15 से हमारा भाई पिंटू जो खिलाड़ी आज इलेक्शन लड़ रहा है, मतलब पूरे वार्ड में ही इसकी इतनी चर्चा है। और जब ये खिलाड़ी कहीं खेलता था तो टीवी पे जब इसकी आती थी मैच तो औरतें भी लाई छोड़ के भी वहां जाती, आज पिंटू का नाम है और देश विदेशों में भी, और इसी वजह से इनका मान सम्मान, मैं जाटव समाज से संबंध रखता हूँ, वैसे हमारी जाटव समाज ने तो ऐसे कह दिया एक धड़ा वोट देंगे इसको कामयाब करके लेंगे, और वैसे भी ऊपर तक अगले की पहुंच है। और आज भी कह देता मेरा तो काम आज से ही शुरू है, एमएलए चा करते हो अपने 5 महीने पीछे, इसका तो काम आज से शुरू, फोन खड़खड़ा है अभी, मतलब उसका रिजल्ट मिले हमें। एक भाई हमारा उतना प्यार दे रहा, और पूरी बस्ती वार्ड नंबर 15 के जितने भी 16 गांव है सब में इतना प्यार मिल रहा है ऐसे, इस खिलाड़ी की पहुंच इतनी बढ़िया पकड़ है, मतलब रूम खड़ा हो जाए। जब पिंटू पहलवान कल भी औरतें ऐसे कह रही थी, एक हमें पिंटू की शक्ल तो दिखाओ एक बार, हम देखना चाहते हैं, हम लाई छोड़ कर चले आते तो पिंटू खेला रहो आज, लेकिन आज साक्षात हम तो मिलने आए हो, तो उस वजह से हमारा भाई कामयाब होगा। लाई छोड़ देते थे? हाँ जी। हाँ क्या कहेंगे आप? हम कहेंगे जी हमारा जो पोता है जो ये कामयाबी ले, सबको प्यार है, पूरे वार्ड में इसकी प्रशंसा हो रही है, और वोटों की कोई कमी नहीं है, सारे क्षेत्र का इस पर प्यार है। चुनाव चिन्ह कौन सा है? चुनाव चिन्ह जीप है। इसलिए पूछा ना, अक्सर बुजुर्गों को पता नहीं होती। जीप का चुनाव चिन्ह है, उसको बटन दबाना है और बच्चे को कामयाब बनाना। इनको चुनाव चिन्ह चाहे किसी भी चीज को हो जी, मेन चुनाव चिन्ह पिंटू है, मेन चुनाव चिन्ह पिंटू है, और इनकी सकल ही चुनाव चिन्ह है, चाहे कोई सब चुनाव चिन्ह मिल जाए, इनने देश का ही नाम रोशन, नहीं विदेशों में नाम रोशन किया है जी अपना, और ऐसे गर्व के साथ, ऐसे गर्व उल्लास से ऐसे डोल रहे पब्लिक इसके साथ, इसे कामयाब करके लाए, और भगवान का आशीर्वाद रहा तो कामयाब हो गए। अच्छा पिंटू, जब पॉइंट लेते थे कबड्डी के खेल में तालियां बजती थी खूब, है, और आज चुनाव आपके मैदान में तालियां बज रही है, दोनों में कितना अंतर है? देखिए उत्साह होने वाली बात तो यही है कि जब तालियां बजाते थे तो मेरा भी सीना चौड़ा होता था, जोर लगाता था, तो गेम अच्छे ढंग से खेलता था और पॉइंट निकालता था। आज भी ये तालियां बजाते हैं और मेरे पीछे ऐसे कंधे से कंधे में चलते हैं, तो इस मैदान में से भी पॉइंट निकाल जाएंगे हम।
भगवान के आशीर्वाद से हमारी जीत निश्चित है, क्योंकि हमने मेहनत ग्राउंड पे की है। लोगों का जो प्यार है, जितने भी हमारे कैंडिडेट लड़ रहे हैं, सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं। किसी के बारे में किसी को कोई उल्टा सीधा नहीं बोलना चाहिए, सब प्यार है, सब भाईचारा है हमारा। जो मेहनत करेगा, जिसको वोट मिलेंगे वो जीत जाएगा, बाकी किसी के बारे में कोई प्रतिक्रिया नहीं होगी। मेरा खेल में भी ऐसा ही रहा स्वभाव, और अब राजनीति में भी यही है, हंस के खेलना और हंस के वोट मांगना। तो हाँ जी बताओ, आ जाओ। हाँ जी, क्या नाम है आपका जी? मेरा नाम सतपाल है जी। बड़े कोने में खड़े हो, क्या बात है? नहीं, मैं ठीक खड़ा हूँ। पहलवान जी की स्पीच चल रही है, बहुत अच्छे पहलवान जी हमारे, और देख रेख करते रहते हैं। अच्छा, पहलवान जो हमने खड़ा, हमारी युवा पीढ़ी ने खड़ा कर, एक ही गांव नहीं है रायदास का, हमारे कई गाँव खड़ा किया है। बात है बमाड़िया, डूंगरवास, अजियाबाद, गुंडवास, बेला और क्योराड़ी तक, सभी युवा उनकी पहली पसंद थी पिंटू पहलवान, और बुजुर्गों को आशीर्वाद मिला है पिंटू पहलवान को, और 15 नंबर वार्ड में हमारा पहलवान जीत का आएगा, ये हमें पूरी आशीर्वाद है। अच्छा, 120 की स्पीड से दौड़ी जीप? कदी दौड़ेगी, 120 की ऊपर जाएगी, और माता बहनों को और बुजुर्गों को आशीर्वाद हो। और आप पत्रकार देख रहे हैं कि क्या कैसा माहौल है पहलवान जी का, बढ़िया माहौल है। अच्छा, आप कहाँ जा रहे हो इसके बाद? हम अब पहलवान जी के साथ में रैली में जा रहे हैं, और फिर अपील करेंगे ग्राम अपने क्षेत्र से पहलवान जी को विजय बनाए। आपका? उपेंद्र प्रधान जी, रायदास का। अच्छा, प्रधान जी किसी के? प्रधान जी युवा संगठन का। अच्छा, हाँ जी, युवाओं का फुल साथ है सर। ये मैं कहूँगा, वार्ड नंबर 15 से पहलवान जी को जिला परिषद का जो चुनाव लड़ रहे हैं, और भाई को पूरा सपोर्ट है, पूरी सरदारी का, सभी गाँवों से और जितने भी वार्ड में जो 16 गांव हैं, सबका पूरा समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है। तो आशा है कि शायद भगवान की कृपा रही और बस्ती माता का आशीर्वाद रहा, तो ये जीत के आएंगे 22 तारीख को। एक्चुअली क्या है, मेरा जो असली रियल नेम है वो प्रवीण कुमार है। वैसे मेरा नाम इन्होंने पिंटू रख रखा था छोटे बच्चे, तो उसके हिसाब से मेरी जनता से ये अपील रहेगी कि प्रवीण कुमार के सामने जीप का निशान, उसको बटन दबाना है और मुझे विजयी बनाना है, ये मैं आपसे आशीर्वाद। ईवीएम होगी तो ईवीएम में प्रवीण कुमार नाम होगा? प्रवीण कुमार नाम होगा, पिंटू नहीं होगा कहीं भी? नहीं होगा सर, प्रवीण कुमार होगा, उसके सामने जीप का निशान होगा। अच्छा, कौन से क्रम पे आ रहा है आपका नाम? चौथे क्रम पे है शायद, वो भी मैं कंफर्म नहीं कर पाया हूँ। अच्छा, आपने बैलेट छुपाया नहीं अभी? नहीं, मैं तो अपने चेहरे पे चल रहा हूँ साहब, ये तो कागजी कार्रवाई तो अपने हिसाब से चलती रहेगी। लोगों को तो सिर्फ ये देखना है कि पिंटू का निशान क्या है। वो तो बात सही है, पिंटू पिंटू तो हो रही है, लेकिन पिंटू दिखाई भी तो दे वहाँ पर, प्रवीण कुमार दिखाई देगा? प्रवीण कुमार दिखाई देगा। तो क्या अपील करना चाहेंगे आप लोगों से? बस सब अपना आशीर्वाद बनाए रखें, वोट करें, सपोर्ट करें, आशीर्वाद बना के रखें। जीत आपकी किस्मत में है तो आपको निश्चित ही मिलेगी। तो ये थे हमारे बीच में प्रवीण कुमार उर्फ पिंटू पहलवान, नाम उनका पिंटू पहलवान प्रसिद्ध है, लेकिन जब बैलेट बॉक्स आएगा, ईवीएम आएगी, तो उस पर नाम होगा प्रवीण कुमार, शायद चौथे कलम पर उसका नाम होगा, और चुनाव चिन्ह उनका जीप है। उन्होंने कहा कि बारे में उन्होंने खास तौर से ये कह दिया कि चुनाव मिलजुल कर लड़ रहे हैं। गांव रायदास का सिद्धि बढ़ानी मेरा आपसे अनुरोध है। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया दें, और इस लिंक को आगे शेयर भी कर दीजिएगा। वोकल फॉर लोकल के लिए इतना सा सहयोग हमें आपका चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।